अपने काम से काम कोई कुछ कर ही नहीं रहा। ओरिजिनल सैमसंग की बैटरी ऊपर ना इस तरीके से ये, हाँ ये सेम होता है तब पता लगेगा ना, पता चलेगा ये मतलब कस्टमर को बेवकूफ बनाने के लिए ताकि उसका डाटा निकाला जा सके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो जाता है, बिल्कुल नाप से बना हुआ है, ये चीज़ सेट बैठा हुआ है ताकि कस्टमर को पता ही नहीं लगेगा इसमें कि यार ये क्या है। और इस तरीके से इसके अंदर चिप चिप लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है और ये रीड करने के लिए भी लगा हुआ है, इसमें सेंसर मैग्नेट लगा हुआ है, सेंसर है ये। और कस्टमर को किसी भी तरीके से पता नहीं लग सकता कि ये ये क्या है, मतलब नॉर्मली लगेगा जोर भी लगाया कितनी लाइट जलती है इसमें। हाँ। यहाँ लाइट जलती है, अभी थोड़ी देर रखो तो लाइट जलेगी। और एक एक कैमरा इस तरीके से लगाया जाता है। हाँ। जबकि इसका डायरेक्शन है नहीं यहाँ पे, यहाँ देखिए डायरेक्शन इसका नीचे है, ये नहीं ऐसे ऊपर छत पे लगाया जाता है ताकि पिन नंबर जो है कस्टमर क्या डायल कर रहा है मशीन में उसका पता लग जाता है, ठीक है। इसमें बैटरी है, इसको खोलो खोलो। इसमें बकायदा तीन बैटरियां, ये सैमसंग की ओरिजिनल बैटरियां लगाई गई हैं और इसमें मेमोरी कार्ड है और ये पूरा इसका सिस्टम है ताकि पूरा रिकॉर्ड इसके पास रह सके। और हो सकता है कि ये डायरेक्ट उनके पास डाटा चला जाता हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। और इससे कस्टमर को कभी शक होगा नहीं, उन्हें तो एटीएम नज़र आ रहा है और कस्टमर को शक होगा ही नहीं कि ये क्या है, ना तो मशीन वाले को शक होगा, बैंक को भी नहीं शक होगा कि ये क्या है, क्योंकि सेम ही है। और इसमें सारा सिस्टम लगाया हुआ है ताकि कस्टमर के कार्ड के नंबर चोरी किए जा सकें। और ये ऊपर कैमरा इसलिए लगाया जाता है ताकि पिन नंबर पता लग सके कि कौन क्या पिन डायल कर रहा है और सारा डाटा अपने पास ले जाया जा सके। पिन से खोले उस ऐसा करते हैं चोरों की नई तकलीफ तरकीब।